हेलो, वेलकम टू। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। इसके अंतर्गत हम कुछ प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न जो उठता है वो ये है कि आखिर भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्यों करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भूगोल क्या है, पृथ्वी की सतह का अध्ययन तथा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किसका भाग है, जियोलॉजी या भूगर्भ शास्त्र का। फिर भी इसका अध्ययन हम भूगोल में क्यों करते हैं, तो है कि भूगोल पृथ्वी के सतह या धरातल का अध्ययन है, लेकिन जो पृथ्वी की सतह पे जो दिखने वाले भूदृश्य हैं उनका निर्माण बहिर्जात तथा अंतर्जात प्रक्रियाओं के लगातार सक्रिय रहने से होता है, और इसमें अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अर्थात किसी भी प्रदेश की भूआकृति को समझने के लिए अंतर्जात प्रक्रियाओं अर्थात उसकी भूगर्भीय क्रियाओं के प्रभाव को जानना भी आवश्यक है। और इसके अलावा भूकंप अर्थात पृथ्वी में ये भूकंप अर्थात ये कंपन क्यों होता है या सुनामी लहरें कैसे पैदा होती हैं, इस प्रकार के विषयों को जानने के लिए भी ज़रूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो। अब दूसरा प्रश्न है हाउ, अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें कैसे पता चला, अर्थात भूगर्भ की जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं। तो इनको हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, पहला प्रत्यक्ष स्रोत तथा दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत। तो पहले देखते हैं भूगर्भ की जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत। इसमें सबसे पहले है कि जो खनन क्रियाएं हैं और जो ड्रिलिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके द्वारा जो विभिन्न गहराइयों से जो हमें पदार्थ प्राप्त होते हैं उनके विश्लेषण से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन इससे क्या, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसी के बारे में एक अनुमान हो सकता है, क्योंकि आज तक का जो सबसे अगर गहरी ड्रिलिंग देखें तो वो भी 12 किलोमीटर की गहराई से अधिक तक नहीं हो पाई है। तो इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना का बहुत अधिक ज्ञान इससे नहीं हो पाता है। दूसरा है ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार से हमें दो तरीके से पृथ्वी की जो संरचना है उसके बारे में पता लगता है। पहला है ज्वालामुखी उद्गार से जो धरातल पे जो जो लावा आता है उसके विश्लेषण से। दूसरा, ज्वालामुखी उद्गार से हमें ये पता चलता है कि जरूर पृथ्वी की सतह के नीचे कुछ ऐसी जो परत या लेयर जरूर है जो कि मोल्टन स्टेट में अर्थात पिघलित या अर्ध पिघलित अवस्था में, जहाँ से ये मैग्मा बाहर आता है। अब हैं अप्रत्यक्ष स्रोत। अगर अप्रत्यक्ष स्रोत देखें तो जो भौतिक कारक हैं जैसे तापमान, दबाव और घनत्व, इनमें गहराई के साथ किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, इसकी जानकारी हम कई प्रकार के परोक्ष स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला, अगर तापमान को देखें तो खनन गतिविधियों तथा ड्रिलिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि गहराई के साथ तापमान में वृद्धि होती रहती है, और यह दर लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 100 मीटर है, अर्थात लगभग 1 किलोमीटर गहराई में 20 से 30 डिग्री तापमान में वृद्धि होती है। लेकिन यह वृद्धि की दर पृथ्वी की केंद्र की ओर जाते हैं तो घटती जाती है। इसका कारण है कि पृथ्वी की क्रस्ट में या ऊपरी सतह में जो रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं उनकी अधिकता होती है, जिसके कारण ये दर अधिक होती है। फिर है, अगर घनत्व को देखें तो हम परीक्षणों से देखते हैं कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसका घनत्व है लगभग 3 के आसपास है। 3 का मतलब अगर जल का घनत्व अगर 1 माने तो पृथ्वी की ऊपरी सतह का घनत्व है 3। और जो वैज्ञानिक परीक्षणों से पता चला है कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो लगभग 5.5 है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि जो कोर है या जो पृथ्वी का केंद्र के पास का भाग है उसका घनत्व बहुत अधिक है, लगभग 12-13 होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी में गहराई के साथ
जो घनत्व है वो बढ़ता जाता है। फिर देखते हैं दबाव, क्योंकि गहराई के साथ चट्टानों का दबाव बढ़ता है और घनत्व के बढ़ने का यही एक प्रमुख कारण है, लेकिन इसकी भी क्या एक सीमा होती है। और क्योंकि चट्टान एक दबाव बढ़ाने पे एक सीमा तक कि उसका घनत्व बढ़ता है, उससे आगे घनत्व नहीं बढ़ता। और चूंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी के जो कोर है उसमें घनत्व अधिक है, इसका मतलब जो पृथ्वी के जो कोर या केंद्र की जो चट्टानें हैं वो जो सतह की चट्टानों की तुलना में भारी पदार्थों से उसका निर्माण हुआ है। और वो अगर घनत्व के हिसाब से देखें तो वो जो भारी पदार्थ हैं वो मतलब फेरस और निकल, अर्थात लोहे और निकल जैसी भारी धातुएं हैं। फिर दूसरा है उल्काओं के विश्लेषण से। उल्काएं प्राय उन्हीं पदार्थों से बने ठोस पिंड होते हैं जिनसे क्या पृथ्वी बनी होती है। ये दो प्रकार के होते हैं प्राय, एक तो रॉकी जो कि चट्टानों से मिलकर बने होते हैं, इनकी संरचना पृथ्वी के स्थलमंडल की या ऊपरी भाग के समान होती है। दूसरे होते हैं जो धातु के मेटलिक मीटोराइट्स होते हैं और वो प्राय फेरस और निकल से बनते हैं, इनकी संरचना ये माना जाता है कि पृथ्वी के जो क्रोड है उसके समान होती है। तीसरा है गुरुत्व विसंगति अर्थात ग्रेविटी एनोमली। जो पृथ्वी का औसत जो अगर गुरुत्वाकर्षण मान देखें वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और यह जो मान है वो पृथ्वी की सतह या उसकी समुद्र तली देखें तो उस पर हर स्थान पे एक समान नहीं रहता है। और इसको प्रभावित करने वालों में एक प्रमुख कारक है कि पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण पाया जाता है, इनका घनत्व भिन्न भिन्न होता है। और इसके कारण घनत्व भिन्न भिन्न होने के कारण क्षेत्र विशेष का जो गुरुत्वाकर्षण है उसका मान भी भिन्न भिन्न होता है। तो पृथ्वी की सतह पर विभिन्न स्थानों की जो गुरुत्व विसंगति है उसके अध्ययन से हम पृथ्वी के जो स्थलमंडल है ऊपरी भाग है उसकी संरचना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर है चुंबकीय सर्वेक्षण। जो ऊपरी सतह क्रस्ट है उसमें जो चुंबकीय पदार्थों के वितरण की जानकारी हमें चुंबकीय सर्वेक्षण से मिल सकती है। इसके अलावा जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उससे हमें यह भी अनुमान होता है कि जो पृथ्वी के कोर में कोई पिघले फेरस और निकल की कोई परत अवश्य है, और ये कौन सी परत है किस गहराई पे इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। फिर है पांचवा भूकंपीय गतिविधियां या सिस्मिक एक्टिविटी। इसके अंतर्गत हम जो भूकंपीय तरंगे हैं उनका अध्ययन करते हैं।